नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल थ्रू Q&A में, यानी क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से। इस चैनल में हम अलग अलग टॉपिक को कवर करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से, ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के चैप्टर एजुकेशन के बारे में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहला बैगलेस स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोठी, जो कि जिला किन्नौर में है। ये बैगलेस स्कूल इसलिए शुरू किया है क्योंकि यहाँ पर माँ बाप इतना पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बच्चों को होमवर्क वगैरह ढंग से नहीं करवा सकते हैं, इसलिए इन बच्चों का जो भी स्कूल का सामान है, बैग है, बुक्स हैं, वो स्कूल में ही रख ली जाती हैं और उनको होमवर्क भी टीचर्स के द्वारा स्कूल में ही करवा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अटल आदर्श विद्यालय योजना को 3 दिसंबर 2018 से कहाँ से शुरू किया है? तो ये देखिए, योजना का नाम है अटल आदर्श विद्यालय योजना और इसको शुरू किया है 3 दिसंबर 2018 से। कहाँ से शुरू किया है? बरठी से, जो कि झंडुता तहसील में, और ज़िला का नाम है बिलासपुर। तो ये याद रखें क्योंकि रिसेंटली शुरू की है ये स्कीम, ये अभी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत असल में रेजिडेंशियल स्कूल्स का निर्माण किया जा रहा है और एक अलग कैडर के टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है, ताकि बच्चों को बढ़िया सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा सकें और अच्छी एजुकेशन दी जा सके बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती नामक स्कीम को हिमाचल प्रदेश में कब शुरू किया गया है? अभी देखिए, योजना का नाम है अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती और इसको शुरू कब किया है हिमाचल में? 10 अक्टूबर 2018 को। तो ये भी रिसेंटली शुरू किया, डेट याद रखें, इसका स्कीम का नाम याद रखें, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है, अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती स्कीम का उद्देश्य क्या है? अब अगर स्कीम के उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता तथा आधारभूत संरचना को बढ़ाना, निजी स्कूलों के साथ तुलना करना। असल में ऐसा माना जाता है कि निजी स्कूलों में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, इसलिए निजी स्कूलों के साथ तुलना की जा सके सरकारी स्कूलों की भी, इस स्कीम का ये भी उद्देश्य है। समाज को सरकारी स्कूलों के करीब लाना, समाज का जो एक वर्ग है वो क्या, सरकारी स्कूलों से दूर होता जा रहा है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि सभी वर्गों को सरकारी स्कूलों के नज़दीक लाया जाए। अगली जो उद्देश्य है वो है पुराने छात्रों को स्कूल से जोड़ना, ताकि वे योगदान दे सकें। अब पुराने छात्रों ने, जिन्होंने कोई भी अचीवमेंट की है, कोई अचीवमेंट रही है उनकी समाज में, उनको भी क्या है, स्कूल के साथ जोड़ा जा रहा है, स्कूल में पट्टिकाएँ लगाई जा रही हैं और उनमें उनके नाम दर्ज किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच, हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी विद्यालयों यानी नर्सरी तथा केजी विद्यालयों को कब से शुरू किया गया है? जो प्री प्राइमरी विद्यालय, यहाँ पर नर्सरी और केजी की क्लासेज को शुरू किया है गवर्नमेंट स्कूल्स में हिमाचल में, और ये शुरू किया गया 1 अक्टूबर 2018 को, ये भी याद रखें, रिसेंटली शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा टीचिंग को ज़्यादा रोचक बनाने के लिए कौन सी ऐप शुरू की गई है? यह है टीचर ऐप और इसका उद्देश्य है टीचिंग को ज़्यादा रोचक बनाना। असल में ये टीचर्स के लिए, ये ऐप टीचर्स इस ऐप से देख सकते हैं कि किस तरह से इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, अलग अलग टॉपिक को किस तरह से कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा साथी ऐप का उद्देश्य क्या है? एक और ऐप शुरू की गई जिसका नाम है शिक्षा साथी ऐप। इसका उद्देश्य है कि जो भी पुराना निरीक्षण का कार्य है या आंकड़े हैं, उनको प्रभावशाली तरीके से एकत्रित किया जा सके और शिक्षा अधिकारियों के साथ सीधा और त्वरित संचार स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े भारत बढ़े भारत का उद्देश्य क्या है? पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम शुरू की गई, इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनमें प्ले वे के माध्यम से, ठीक है जी, भाषा और अंक गणित के कौशल को बढ़ाना है। दो चीज़ों को बढ़ाएगी ये स्कीम, एक है भाषा और दूसरा अंक गणित का कौशल, और कैसे बढ़ाएगी ये, प्ले वे के माध्यम से। असल में असर की रिपोर्ट में देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनमें भाषा और अंक गणित का विकास इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं भाषा और अंक गणित में, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ, स्मार्ट शाला मैथ्स किट का उद्देश्य क्या है? एक किट इशू की जा रही है बच्चों को, जो है जिसका नाम है स्मार्ट शाला मैथ्स किट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राइमरी स्कूल, ये भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है, जिसका उद्देश्य है गणित तथा अंग्रेजी भाषा सिखाना। इस किट के माध्यम से गणित सिखाया जाता है और अंग्रेजी भाषा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस, स्मार्ट शाला मैथ किट किस संस्था के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है? इसका आंसर है संपर्क फाउंडेशन। इसका नाम याद रखें आप फाउंडेशन का, ये भी पूछा जा सकता है, और किट का नाम याद रखें, स्मार्ट शाला मैथ किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का क्या उद्देश्य है? देखिए, अभियान है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये शुरू किया गया था 2015 में, लॉन्च हुआ था और इसको
डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने लॉन्च किया था 2015 में। इसका उद्देश्य है, देखिए, स्कूलों में गणित प्रयोगशाला की स्थापना करना, एक तो गणित की प्रयोगशालाओं को स्थापित करना, विज्ञान प्रयोगशालाएं जो स्थापित हैं उनको सुदृढ़ बनाना, विशेषज्ञों की सहायता से विज्ञान पार्क को विकसित करना, क्षेत्रीय गणित ओलंपियाड के लिए छात्रों को तैयार करना, ठीक है जी, जो भी ओलंपियाड का कंपटीशन होता है उसके लिए छात्रों को तैयार करना, ये सारे इस स्कीम के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश में कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय कार्यरत हैं? कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं हिमाचल में, ये भी रेजिडेंशियल स्कूल है और 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है यहाँ पर। ये क्या है, छात्राओं के लिए हैं, असल में कौन सी छात्राएं, जो भी कमज़ोर वर्ग की हैं, एससी एसटी ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक हैं, और ये कितने हैं, ये विद्यालय हैं 10 विद्यालय हैं हिमाचल में, जिसमें से इन 10 में से 8 केवल चंबा जिला में है और एक शिमला में है। शिमला में है छोहारा, जो छोहारा जगह है, जगह का नाम है छोहारा, वहाँ पर है, और ये छोहारा है रोहडू के पास है, और एक है सिरमौर के छिलाई में, छिलाई ब्लॉक में, तो ये याद रखें टोटल 10 हैं, 8 जिसमें से चंबा जिला में है और एक शिमला जिला में है और एक विद्यालय जो सिरमौर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश में गैर सरकारी संस्था IMRB तथा प्रथम के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल से बाहर कितने बच्चे रह रहे हैं? 1% से भी कम बच्चे हैं जो हिमाचल प्रदेश में वो स्कूल से बाहर हैं, जिन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, और ये किसके सर्वेक्षण में आंकड़े तथ्य पाए गए हैं, ये IRMB है और प्रथम है एक NGO संस्था, इनके द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया उसमें पाया गया है। अभी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि ये जो 1% आंकड़ा भी है जो स्कूल से बाहर बच्चे रह रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है माइग्रेटरी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे लेबरर्स, और उनके बच्चे क्या है वो स्कूल ज्वाइन नहीं करते हैं, इस वजह से जो ये 1% का आंकड़ा भी है जो बच्चों का जो स्कूल से बाहर रह रहा है, वो उसकी वजह वही है कि लेबरर यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यशवंत गुरुकुल आवास योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में नियुक्त अध्यापकों को आवासीय सुविधा प्रदान करना। अभी देखिए स्कीम का नाम है यशवंत गुरुकुल आवास योजना, और ये क्या करती है, अध्यापकों को आवासीय सुविधा प्रदान करती है जो कि उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में नियुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में SCERT कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सोलन, सोलन में SCERT स्थित है, ये याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रदेश में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को किस स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है? हिमाचल प्रदेश में जो क्या छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, और ये विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन ये केवल केवल शिक्षा शुल्क ही इसमें माफ़ किया जाता है, ठीक है जी, और ये जो है जो इनको माफ़ किया जाता है शुल्क, ये व्यावसायिक और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए भी अप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के नाम विद्यालय में गौरव पट्टिका पर लिखे जा रहे हैं? ठीक है जी, ये देखिए पहले भी स्कीम के बारे में बताया गया था, अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती है, इसके अंतर्गत क्या है बच्चों के नाम विद्यालय में गौरव पट्टिका पर लिखे जाते हैं, जो कि पुराने स्टूडेंट्स हैं और जिनकी कुछ उपलब्धि रही है किसी न किसी क्षेत्र में, उनके नाम गौरव पट्टिका पर लिखे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उनका स्कूल है जो बगसियाड़, बगसियाड़ वहाँ पर क्या है उनका नाम लिखा गया है गौरव पट्टिका पर भी, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल द्वारा शुरू की गई विद्यार्थी वन मित्र योजना, विद्यार्थी वन मित्र योजना जिसे 20 अगस्त 2018 को अधिसूचित किया गया है, जो कि इको क्लब के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, उद्देश्य क्या है? ठीक है जी, इसका उद्देश्य है विद्यालय के बच्चों में वनों के बचाव तथा पर्यावरण के प्रति उनकी सहभागिता के द्वारा जागरूक करना। अब इसका उद्देश्य है बच्चों को जागरूक करना, और कैसे जागरूक करना, उनकी सहभागिता के द्वारा उनको भी एसोसिएट करना अलग अलग स्कीम्स में, ठीक है जी, इस और उसके माध्यम से बच्चों को जागरूक करना कि वनों का बचाव किया जाए और पर्यावरण के प्रति उनकी सेंसिटिविटी उनको बताया जाए कि किस तरह से पर्यावरण हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और ये देखिए ये स्कीम का नाम क्या है, विद्यार्थी मित्र योजना, और इसे
शुरू किया है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है जी। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने शुरू कर किया इसको 20 अगस्त 2018 को अधिसूचित किया है इसको, और इको क्लब के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस स्कीम को, तो ये याद रखें। ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कौन सा दिन बैग मुक्त दिवस घोषित किया गया है? हर महीने का जो चौथा शनिवार है वो बैग मुक्त दिवस घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। इस दिन बच्चे क्या है, बैग लेके नहीं जाते हैं, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में, इनोवेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं ताकि उनका विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण हेतु प्रतिवर्ष 500 योग्य विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इन्हें 45 दिन का प्रशिक्षण नीट, JEE, सिविल सर्विसेज इत्यादि के लिए दिया जाता है, और इस योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है मेधा प्रोत्साहन योजना। इसमें 1 लाख रुपए तक दिया जा सकता है बच्चों को, और ये कितना, 500 उम्मीदवारों को दिया जाता है योग्यता के आधार पर, और इसमें क्या है, 45 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है नीट, JEE, सिविल सर्विसेज इत्यादि के लिए, ठीक है जी। इसका स्कीम का नाम याद रखें, मेधा प्रोत्साहन योजना, और 1 लाख रुपए तक का प्रावधान है इस स्कीम में, और ये केवल 500 बच्चों को ही दिया जाता है 1 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला शुरू की गई है, ठीक है, नीति आयोग की पहल पर, और इसका उद्देश्य है युवाओं में जिज्ञासा, सृजनात्मकता एवं कल्पना को प्रोत्साहित करना, ठीक है जी। ये लैब स्थापित की जाती हैं अलग अलग स्कूल्स में, स्कूल्स को सरकार स्पॉन्सर करती है, 5 साल के लिए फंड्स उपलब्ध करवाती है सरकार, ताकि वहाँ पर अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 1968 में, 1968 में जो है तकनीकी शिक्षा विभाग स्थापित किया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग में शामिल किया गया था, ठीक है। औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्थान है उनको भी तकनीकी शिक्षा विभाग में शामिल कर लिया गया था 1983 में। ये दोनों ईयर याद रखें, ठीक है जी, 1983 भी और 1968 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT यानी कहाँ स्थित है? ये है कमान में, जो कि मंडी जिला में है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT यानी कहाँ पर स्थित है? NIT ये हमीरपुर में स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कांगड़ा, कांगड़ा के नज़दीकी एक छेब 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 नामक जगह है, छेब में ये स्थित है, ठीक है जी। तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखें, फैशन टेक्नोलॉजी, छेब या कांगड़ा, दोनों में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM कहाँ स्थित है? ये सिरमौर में है, सिरमौर में ये पांवटा साहब के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT कहाँ स्थित है? ये ऊना में स्थित है, ऊना जिला में, और कहाँ पर है ऊना जिला में, स्लोह नामक स्थान है एक, ठीक है जी, स्लोह जग है वहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सिपेट यानी केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? ये बद्दी में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान महिला कहाँ स्थित है? ठीक है जी, रीजनल जो आपका ITI है महिलाओं के लिए, वो है जुंडला में, जो कि शिमला जिला में स्थित है, ये नाम याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जवाहरलाल नेहरू राजकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये है सुंदरनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियंत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियंत्रिकी, ये प्रगति नगर में है, जिला शिमला में, और ये प्रगति नगर जो है ये कोटखाई के नज़दीक है, तो याद रखें कोटखाई या प्रगति नगर कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अभियंत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये नगरोटा बगवा में है, जो कि कांगड़ा जिला में है नगरोटा बगवा, तो ये याद रखें, राजीव गांधी अभियंत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवा कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राजकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राजकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय ये कोटला में स्थित है, जो कि तहसील रामपुर में, जो ज्यूरी में है, ज्यूरी भी पूछा जा सकता है, कोटला भी पूछा जा सकता है, रामपुर भी, या शिमला डिस्ट्रिक्ट में है ये असल में सारा, तो ये कुछ सारे नाम याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय किन दो स्थानों पर स्थित है? जो राजकीय फार्मेसी है महाविद्यालय, ये दो जगह है, रोहडू और नगरोटा बगवा में, रोहडू जो शिमला जिला में है, नगरोटा बगवा कांगड़ा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38,
हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो अभियंत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हाइड्रो अभियंत्रिकी महाविद्यालय खोला जा रहा है जो कि बंदला में है, जिला बिलासपुर में। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये क्योंकि रिसेंटली ही ये इसका काम शुरू हुआ था और ये यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी अभी, तो इसको याद रखें, बंदला नाम, बंदला बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? दिव्यांगों के लिए जो एक्सक्लूसिवली IIT है वो है सुंदरनगर में, IIT नहीं सॉरी ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वो सुंदरनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हिमाचल प्रदेश में किन दो स्थानों पर नए राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय प्रस्तावित हैं? नए राजकीय जो फार्मेसी महाविद्यालय वो खोले जाएंगे रक्कड़ में जो कि जिला कांगड़ा में है, और बगसियाड़ जो जिला मंडी में है। बगसियाड़ आप याद रखें, ये यहाँ से जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान CM हैं वो भी यहीं से पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुसूचित जाति के 1000 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1000 मेधावी छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? 10,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है और मैट्रिक की परीक्षा के आधार पर, योजना का नाम है डॉक्टर छात्रवृत्ति का नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति, ठीक है जी। और किन को दी जाती है? अनुसूचित जाति के जो पहले 1000 स्टूडेंट्स हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, योजना का नाम छात्रवृत्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं की परीक्षा के पहले 1000 तथा +1 कक्षा के पहले 1000 विद्यार्थियों को कितने रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? ये है 10,000 रुपये यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर है 10th+1 के भी बच्चों को मिलती है ये छात्रवृत्ति और 10वीं के परीक्षा के परिणाम के आधार पर भी, और ये किन को दी जाती है? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, ये देखिए छात्रवृत्ति का नाम याद रखें, ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के 100 छात्र तथा 100 छात्राओं को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाई गई 10वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? ये देखिए यहाँ पर 1000 रुपये बढ़ गया है, ये 11,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है और ये 100 छात्रों को और 100 छात्राओं को दी जाती है ये छात्रवृत्ति, और ये ST स्टूडेंट्स को ही दी जाती है छात्रवृत्ति, ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राओं जिनके अभिभावक स्वच्छता से संबंधित व्यवसाय करते हैं और हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं को 10वीं कक्षा से महाविद्यालय स्तर तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए कितनी छात्रवृत्ति वार्षिक प्रदान की जा रही है? 9,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और योजना का नाम है, छात्रवृत्ति का नाम है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, ठीक है जी। किन छात्राओं को दी जाती है ये छात्रवृत्ति? जिनके अभिभावक स्वच्छता से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं और हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, और ये जो छात्रवृत्ति दी जाती है ये 10वीं कक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर तक दी जाती है व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए, 9,000 ये राशि है, ये याद रखें, महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 150 मेधावी विद्यार्थियों को +2 की परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने पर बिना किसी आर्थिक आधार के मेरिट के आधार पर कितनी छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रदान की जा रही है? ये है 10,000 रुपये और ये छात्रवृत्ति का नाम है इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, केवल 150 विद्यार्थियों को ही ये दी जा रही है छात्रवृत्ति और इसमें 10,000 रुपया दिया जाता है +2 की मेरिट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत +2 की मेरिट के आधार पर 2,000 छात्राओं को कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? यह 15,000 रुपये और इस छात्रवृत्ति का नाम है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, +2 की मेरिट के आधार पर दी जाती है 2,000 छात्राओं को, 15,000 रुपये प्रतिवर्ष, ये नाम याद रखें छात्रवृत्ति का और कितने पैसे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में लागू की गई मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन IIT IIM
या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या फिर IISc बेंगलोर के लिए हुआ हो, कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है? 75,000 रुपीज़ दी जाते हैं इनको। और स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये 2013 में। इसका नाम है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, तो ये याद रखें, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2013 में लॉन्च की गई थी और इसमें स्टूडेंट्स को 75,000 रुपीज़ दिए जाते हैं अगर वो IIT IIM वगैरह में सिलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हिमाचल प्रदेश में छात्र उपस्थिति योजना के अंतर्गत 90% से अधिक उपस्थिति दर्ज होने पर कितने रुपये छात्राओं को प्रतिमाह दिए जाते हैं? इसमें 2 रुपये दिए जाते हैं प्रतिमाह, 10 माह तक छात्राओं को दिए जाते हैं ये केवल, अगर उनकी अटेंडेंस है जो स्कूल में 90% से अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत किस कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क 2 सेट वर्दियाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं? यह 1ली से 12वीं तक, और योजना का नाम है अटल स्कूल वर्दी योजना, ठीक है जी। इसके अंतर्गत क्या है, 2 सेट वर्दियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं 1ली से 12वीं तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के IRDP तथा BPL परिवारों से संबंधित छात्र छात्राओं को 1ली से 5वीं तक लेखन सामग्री खरीदने के लिए कितनी नकद राशि उपलब्ध करवाई जा रही है? ये देखिए, यहाँ पर नकद राशि उपलब्ध करवाई जाती है और अनुसूचित जाति से संबंधित जो है, और IRDP और BPL परिवार होने चाहिए ये, जो अनुसूचित जाति से जो भी IRDP या BPL परिवार हैं उनके छात्र छात्राओं को 1ली कक्षा से 5वीं तक नकद राशि दी जाती है लेखन सामग्री खरीदने के लिए, और कितनी दी जाती है देखते हैं। कक्षा 1 से 2 तक 250 रुपये दिए जाते हैं, ये एक याद रख लें। कक्षा 3 से 4 फिर 50 रुपये बढ़ जाते हैं, 300 रुपये हो जाता है, और कक्षा 5 में ये हो गया 350 रुपये, ठीक है जी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के चंबा सिरमौर जिला में किन 5 स्थानों पर पिछड़े खंडों में आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं? ये भी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, लड़कियों के लिए खोले गए हैं ये, जो पिछड़े जिला हैं चंबा और सिरमौर के, जो पिछड़े खंड हैं वहाँ पर आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। ये नाम याद रखें, ये पहले ही पूछा गया कुछ एग्जाम्स में। पहला है खुशनगरी है जगह का नाम, जो तीसा ब्लॉक में है चंबा जिला में। दूसरा है भराई कोठी महला ब्लॉक है, ये चंबा जिला में है। तीसरा हिल्लौर है, पांगी में है हिल्लौर, ये भी चंबा जिला में है। तीसरा है दांड जो सलूनी में है, चंबा जिला में ही। चौथा है कंदियारी जो कि शिलाई में है, ये 5, और जो शिलाई है ये सिरमौर जिला में है। ये सारे नाम याद रखें, ठीक है जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मुख्यमंत्री आदर्श मॉडल स्कूल के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने राजकीय सीनियर सेकेंडरी आदर्श मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं? देखिए, योजना का नाम है मुख्यमंत्री आदर्श मॉडल स्कूल, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, प्रत्येक विधानसभा में कुछ स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है जी, और ये कितने स्कूल खोले जाएंगे, 2 स्कूल हैं, ठीक है, और ये राजकीय सीनियर सेकेंडरी आदर्श मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, ये इस स्कीम के तहत 2 स्कूल खोले जाएंगे। यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाएंगी, बढ़िया फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स में उपलब्ध करवाई जाएंगी, और हर जो भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर 2 स्कूल ये खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के छात्रों के लिए बिना किसी आय सीमा के भारत तथा विदेशों में पढ़ाई करने के लिए कितना ऋण दिया जा रहा है? ठीक है जी, योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना, ठीक है जी, और इसमें क्या है, छात्रों को भारत या बाहर, भारत से बाहर पढ़ाई करने के लिए ऋण दिया जा रहा है, वो कितना ऋण दिया जा रहा है, 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है जो कि 4% ब्याज पर केवल दिया जाता है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर क्या है? ठीक है जी, तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता दर है 82% है, 82.80% है अगर एग्जैक्ट बात करें तो, आप ये याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो ज़्यादा है, 89.53% है, और महिलाओं में 75.93% है ये साक्षरता दर। आप याद रख लें, केवल कोई भी एक आंकड़ा इनमें याद रख लें, तो सभी में अगर महिलाओं की 75 आप याद रख लें तो इसमें अगर 7 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा साक्षरता दर, जो हिमाचल में कुल साक्षरता दर है वो 82 हो जाएगी, ठीक है जी, और 82 में 7 ऐड करें तो इसमें पुरुषों की साक्षरता दर निकल आएगी 89%, ठीक है जी, ये एग्जैक्ट आंकड़े याद रखें तो आप एग्जैक्ट याद रख लें, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि एजुकेशन से संबंधित GK में और भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे सारे इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 से ही लिए गए हैं, बाकी क्वेश्चंस के बारे में अलग से वीडियो तैयार किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
हमारे यूट्यूब चैनल थ्रू Q&A को। धन्यवाद।